Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 1, God's love, भगवान का प्यार. ये क्या है? अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का. God's love, it means भगवान का प्यार. God's love is so wonderful. Wonderful means fantastic. भगवान का जो प्यार है वो क्या है? अद्भुत है, fantastic है. God's love is so wonderful. भगवान का प्यार क्या है? अद्भुत है. Oh wonderful love. Oh wonderful love. It means कि भगवान का प्यार अद्भुत है. So high you can't get over it. कि भगवान का जो प्यार है वो इतना ऊंचा है. हाई मीन्स इतना इतना एक्सटेंड हो रखा है आसमान की तरफ, इतना फैला हुआ है कि यू कांट गेट ओवर इट, तुम इसके ऊपर नहीं जा सकते. सो डीप यू कांट गेट अंडर इट. और नीचे मीन्स गहराई तक, हमसे दूर ऊपर टॉप से लेके और नीचे गहराई तक इतना है कि हम वहाँ तक भी जाकर नहीं देख सकते कि भगवान का प्यार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है. सो वाइड यू कांट गेट अराउंड इट. वाइड मीन्स होता है फुलेस्ट एक्सटेंट, कि मतलब इतना विस्तृत है, इतना फैला हुआ है. यू कांट गेट अराउंड इट, कि तुम अपने चारों तरफ नहीं जा सकती. कि इट मीन्स कि भगवान का जो प्यार है वो वंडरफुल है और वो बहुत ज़्यादा आसमान में भी बहुत फैला हुआ है, नीचे ज़मीन के नीचे तक भी बहुत गहराई तक है और हमारे चारों तरफ भी बहुत फैला हुआ है. ओ वंडरफुल लव, कि ओ भगवान का प्यार, अद्भुत प्यार. गॉड्स लव इज सो वंडरफुल. भगवान का जो प्यार है वो अद्भुत है. गॉड्स लव इज सो वंडरफुल. भगवान का प्यार बहुत अद्भुत है. ओ वंडरफुल लव, कि ओ अद्भुत प्यार. कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या कहते हैं कि जो भगवान का प्यार है वो क्या है? बहुत ही अद्भुत है, इतना विस्तृत है कि अगर आप देखोगे ऊपर इतना फैला हुआ है, आप ऊपर तक नहीं देख सकते उसको. इतना गहराई में है, आप उस गहराई तक नहीं जा सकते. और आपके चारों तरफ इतना है जितना कि आप नहीं जा सकते हो. Now we are doing exercise. और exercise में हम सबसे पहले देखते हैं fill the missing word and complete the lines. So high you can't get over it. ये आपने जो अभी poem पढ़ी है उसके अंदर से आपको चार line दी गई है कि जो भगवान का प्यार है कि इतना ऊंचाई तक फैला हुआ है. You can't get over it, कि तुम इतने ऊपर नहीं जा सकते. So deep, इतनी गहराई तक है. You can't get under it. यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? Help box दे रखा है, इसे हमें return करना है. So wide, you can't get around it. और इतना विस्तृत है कि तुम इसको चारों तरफ नहीं जा सकते हो, नहीं प्राप्त कर सकते. Oh wonderful love, कि भगवान का अद्भुत प्यार. सेकेंड है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंस. यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है. सबसे पहला है गॉड्स लव इज सो वंडरफुल. क्या भगवान का जो प्यार है वो अद्भुत है? ट्रू. गॉड्स लव इज सो हाई यू कैन गेट ओवर इट. क्या भगवान का प्यार इतना ऊंचाई तक फैला हुआ है कि तुम वहाँ तक नहीं जा सकते? ट्रू. God's love is so deep you can't get under it. क्या भगवान का प्यार इतनी गहराई तक फैला हुआ है कि तुम वहाँ नीचाई तक नहीं जा सकते? True. God's love is so wide you can get around it. क्या भगवान का प्यार इतना विस्तृत है कि तुम you can get around it, तुम इसे चारों तरफ प्राप्त कर सकते हो? True. इसके बाद आता है हमारा वर्ड गेम.
हियर आर सम नेमिंग वर्ड एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड। यहाँ पे कुछ नेमिंग वर्ड हैं और कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं। पुट देम इन राइट बॉक्स, आपको यहाँ पे राइट बॉक्स के अंदर रिटर्न करना है। नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, जिन वर्ड्स के नेम होते हैं, और डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं, जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पे आपका बैग है, बैग क्या होता है, किसी चीज़ का थिंग का नेम है, तो ये हमारा नेमिंग वर्ड है। उसके बाद वंडरफुल, वंडरफुल क्या क्या चीज़ है, वंडरफुल गॉड का लव है, तो इसीलिए जो वंडरफुल है वो डिस्क्राइब कर रहा है, हमें किसी चीज़ के बारे में बता रहा है। रेड, रेड मीन्स रेड कलर, किसी भी चीज़ का होता है रेड कलर, तो ये हमें क्या बताता है, डिस्क्राइब कर रहा है। बर्ड, पक्षी, पक्षी नाम होता है। हैप्पी, खुश होना, हैप्पी हमें क्या बताते हैं, किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ड्रेस, ड्रेस को हम पहनते हैं तो हमारी ड्रेस का नेम होता है। फनी, फनी मीन्स मजाकिया, मजाकिया क्या चीज़ हो सकती है, मजाकिया कोई जोक भी हो सकता है, कोई सॉन्ग भी हो सकता है, कोई पोइम भी हो सकती है, तो ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। एंग्री, एंग्री मीन्स होता है गुस्सा होना, तो गुस्सा कौन होता है, इंसान भी होते हैं, पशुओं को, पक्षियों को, सबको गुस्सा आता है, तो ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। उसके बाद आता है आपका पेन, पेन क्या है, नेम है, नेमिंग वर्ड में आएगा। हेयरी, ये आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है। बुक, बुक आपका क्या है, नेमिंग वर्ड है। बुसी, ये आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है। उसके बाद है वॉच, वॉच आपका नेमिंग वर्ड है, और जो कलरफुल है वो आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड में आएगा। इसके बाद है एक्सरसाइज डी, राइट वन सेंटेंस ईच अबाउट द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनका आपको सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले है गॉड, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। मून, वी कैन सी मून एट नाइट, हम चांद को कहाँ देख, कब देख सकते हैं, रात में। हाई, द माउंटेन इज सो हाई, जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वो बहुत ऊंचे हैं। स्टार, वी कैन सी स्टार एट नाइट, हम तारों को रात में देख सकते हैं। वंडरफुल, गॉड लव इज वंडरफुल, भगवान का प्यार क्या होता है, अद्भुत होता है। नेक्स्ट है लेट्स डू मोर, अब हम और कुछ करते हैं। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, बहुत ही प्यारी पिक्चर है, आपको क्या करना है, इनके अंदर कलर करना है। ये है आपका चैप्टर नंबर 1। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।